बड़ी खबर, जहां तेंदुए और हिरण की खाल के साथ शिकारी गिरफ्तार हुआ है। तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से शिकार में इस्तेमाल तीर कमान जब्त किया गया है। एक आरोपी रिजर्व फॉरेस्ट गांव विकास समिति का चौकीदार है। सांकरा पुलिस और साइबर सेल की कार्रवाई में इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से शिकार में इस्तेमाल तीर कमान भी जब्त हो गया है। एक आरोपी रिजर्व फॉरेस्ट गांव समिति का चौकीदार भी है। सांकरा पुलिस और साइबर सेल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार रेखराज साहू फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रेखराज, तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? जी बताना चाहूंगा कि महासमुंद पुलिस ने वन्य प्राणियों की खाल निकालने वाले तीन आरोपियों को आज जो है बारनवा अभयारण्य से गिरफ्तार किया है। ये जो पूरा मामला है वो बारनवा पारा अभयारण्य क्षेत्र का है, जहां लगातार सूचना रही थी कि तेंदुआ, हिरण और जंगली सुअर के मांस और खाल का अवैध रूप से शिकार कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने की जालसाज बिछाई। और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलता है कि कुछ लोगों के द्वारा हिरण और तेंदुए का शिकार कर खाल को बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है, जिस पर पुलिस जो है ग्राहक बनकर आरोपियों के पास पहुंचता है और आरोपियों से पूछताछ करता है। और आरोपी जो है पहली बार जब पूछताछ करते हैं पुलिस द्वारा, तो टाल बटोल जवाब देता है, जिस पर कड़ाई से पूछताछ करने पर जो है अपना अपराध स्वीकार करता है। और बारनवा पारा के जो जंगल है, जो जंगली क्षेत्र है, वहां पर माह भर पहले हिरण और तेंदुए की शिकार तीर कमान से करने की बात स्वीकार करता है, जिस पर पुलिस ने जो है वन्य प्राणी अधिनियम के तहत इन पर कार्यवाही की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रेखराज। अंबिका